फ्रेंड्स, आईपीएल 2020 के सीजन को लेकर लगभग 15 दिन पहले बीसीसीआई ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था, इस साल 19 सितंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच यूएई में आईपीएल 2020 का सीजन खेला जाएगा। इसके बाद से लगातार सभी आईपीएल फैंस को आईपीएल के ऑफिशियली नए शेड्यूल का इंतजार था। इसके बाद बीसीसीआई ने अनाउंस किया था कि जब सभी टीमें दुबई के लिए रवाना हो जाएगी उससे पहले ही आईपीएल का नया शेड्यूल आ जाएगा, और आज सभी आईपीएल टीमें दुबई के लिए ऑलमोस्ट रवाना हो चुकी है और बीसीसीआई की तरफ से सभी आईपीएल टीमों को आईपीएल का नया शेड्यूल हैंडओवर कर दिया जा चुका है। दरअसल आईपीएल का नया शेड्यूल अब सभी आईपीएल टीमों को मिल चुका है। इसके साथ ही अब आईपीएल का नया शेड्यूल भी आ चुका है। हालांकि बीसीसीआई की तरफ से अभी तक इसी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करी गई है, लेकिन अब ऑलमोस्ट कंफर्म्ड शेड्यूल हमारे सामने आ चुका है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर आईपीएल 2020 के सीजन के नए शेड्यूल के अकॉर्डिंग कौन सी टीम का किस तारीख को मैच होगा। इसके साथ आपकी फेवरेट टीम का कौन कौन सी तारीख को कौन कौन सी टीम के अगेंस्ट आईपीएल मैच होगा। मैं ओवरऑल आपको इस वीडियो में आईपीएल 2020 के सीजन के कंफर्म्ड शेड्यूल के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो हमेशा की तरह काफी इंटरेस्टिंग होगी। आप इस वीडियो को हमेशा की तरह अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी से पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आखिर कौन सी टीम का किस तारीख को यूएई में आईपीएल का मैच होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें सीएसके की टीम की, तो सीएसके की टीम का पहला आईपीएल मैच 19 सितंबर को मुंबई इंडियंस के खिलाफ होगा, जबकि इस टीम का आखिरी मैच 3 नवंबर को आरसीबी के खिलाफ होगा। बाकी इस टीम का आप कंप्लीट शेड्यूल अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरीके से कंप्लीट 14 मैच सीएसके की टीम के होंगे। वही इसके बाद अगर हम बात करें दिल्ली की टीम की, तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम 20 सितंबर को पंजाब के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी, जबकि 5 नवंबर को पंजाब के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेलेगी। बाकी इस टीम के जो कंप्लीट 14 मैचेस होंगे वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरीके से इस टीम के पूरे आईपीएल के कंप्लीट मैचेस होंगे। वही इसके बाद अगर हम बात करें मुंबई इंडियंस की टीम की, तो एमआई की टीम अपना पहला आईपीएल मैच 19 सितंबर को सीएसके के खिलाफ खेलेगी, जबकि इनका आखिरी आईपीएल यानी आखिरी लीग मैच 6 नवंबर को आरसीबी के खिलाफ होगा। बाकी इनके कंप्लीट 14 मैचेस का शेड्यूल आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरीके से एमआई की टीम का पूरा आईपीएल सीजन के मैचेस होंगे। वही इसके बाद चौथे नंबर पर अगर हम बात करें हैदराबाद की टीम की, तो इनका पहला मैच 21 सितंबर को मुंबई के खिलाफ होगा, जबकि आखिरी लीग मैच 4 नवंबर को केकेआर के खिलाफ होगा। बाकी इस टीम के सभी मैचेस आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वही इसके बाद पांचवें नंबर पर अगर हम बात करें राजस्थान रॉयल्स की टीम की, तो इनका पहला आईपीएल मैच 22 सितंबर को सीएसके के खिलाफ होगा, जबकि इनका आखिरी आईपीएल मैच यानी आखिरी लीग मैच 2 नवंबर को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेला जाएगा। बाकी इनका कंप्लीट शेड्यूल आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वही छठे नंबर पर अगर हम बात करें पंजाब की टीम की, तो पंजाब की टीम अपना पहला आईपीएल मैच 20 सितंबर को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलेगी, जबकि इस टीम का आखिरी लीग मैच भी 5 नवंबर को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होगा। बाकी आप इनका कंप्लीट शेड्यूल अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरीके का इनका शेड्यूल होगा। वही इसके बाद सातवें नंबर पर अगर हम बात करें केकेआर की टीम की, तो केकेआर की टीम 20 सितंबर को अपना पहला आईपीएल मैच आरसीबी के खिलाफ खेलेगी, जबकि 4 नवंबर को आखिरी लीग मैच ये टीम एसआरएच के खिलाफ खेलेगी। बाकी आप इस टीम का कंप्लीट शेड्यूल अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वही इसके बाद आठवें और आखिरी नंबर पर अगर हम बात करें आरसीबी की टीम की, तो आरसीबी की टीम 20 सितंबर को अपना पहला मैच केकेआर के खिलाफ खेलेगी, जबकि आखिरी लीग मैच 6 नवंबर को ये टीम एमआई के खिलाफ खेलेगी। बाकी इस टीम का आप कंप्लीट शेड्यूल अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो कुछ इस तरीके से सभी आठों आईपीएल टीमों का शेड्यूल यूएई के लिए रहेगा और बीसीसीआई की तरफ से शेड्यूल को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कल तक हो जाएगी। फिलहाल बीसीसीआई ने ये शेड्यूल सभी टीमों को प्रोवाइड कर दिया है और कल तक बीसीसीआई की तरफ से ऑफिशियली ये शेड्यूल सभी फैंस को भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल ये था इस वीडियो में। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग अब यूएई में कौन सी टीम आईपीएल की चैंपियन बनेगी। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।